इस बार देखते हैं ये सेट सही काम करेगा या नहीं करेगा। ये गैलेक्सी A50 फ़ोन है, इसको हमने ओपन किया, ये हमने सेट को ओपन कर दिया, अनलॉक कर दिया। अब हम इसमें क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं। ये हमारा क्रोम ब्राउज़र है, ये हमारी प्लस की टैब आ गई। अब इसमें हम वेबसाइट खोलते हैं, सैमसंग ही खोल देते हैं, samsung.com। वेबसाइट ओपन हो रही है। जैसे ही वेबसाइट ओपन हुई ये हिंदी में आने लगा, मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हटाता हूँ। ये इंग्लिश में हो गया है। अब हिंदी इंग्लिश का तो कोई यूज़ नहीं, इसको हटा देते हैं। ये क्यों आ रहा है, अरे ये हट क्यों नहीं रहा है, ज़रा नज़दीक से देखते हैं हट क्यों नहीं रहा है। जब मैं यहीं पे तो टाइप करूँगा तभी तो हटेगा, यहाँ भी कि यहाँ कहीं पे टाइप करने पे हटेगा, यहाँ तो कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं है, जाहिर सी बात है ये यहीं से हटेगा। हटाते हैं फिर यहीं से, क्यों नहीं हट रहा है, क्या इसका टच ख़राब है? बिल्कुल ख़राब है इसका टच, तभी तो नहीं हट रहा है लैंग्वेज, तभी नहीं हट रहा है। जबकि हिंदी में लैंग्वेज हो रही है, इंग्लिश में लैंग्वेज हो रही है, फिर ये क्यों नहीं टच करने से हट रहा है, इसका टच ख़राब है। आपने देखा, आपके सामने मैंने टच करके हटाया। मैं यहाँ चलिए टाइपिंग भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैमसंग पहले, SUNG। क्या सैमसंग की स्पेलिंग सही है? इसमें तो S मिसिंग है, U मिसिंग है, N भी, N तो है, चलो सैमसंग, जबकि मैंने हर जगह पे टाइप किया था। चलिए अब गैलेक्सी भी लिख देते हैं, GALAXY। ये गैलेक्सी की स्पेलिंग है, ये तो बहुत रॉन्ग लिख रहा है, क्या करें। सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन लिखते हैं, SMARTPHONE। स्मार्टफोन में देखा आपने, ए मिसिंग है, बहुत ही रॉन्ग एक्सपीरियंस है, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है मेरे साथ सैमसंग गैलेक्सी A50 का। मैं क्या टाइप करूं, सब रॉन्ग होता है, और मैं जबकि सही टाइप करता हूं, स्पेलिंग्स भी परफेक्ट टाइप करता हूं, और मैं ये हटा रहा हूं, हट भी नहीं रहा। चलिए इस वेबसाइट को आपने देखा, मैं अलग भी वेबसाइट को ओपन कर देता हूं आपके सामने। मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूं, मुझे शॉपिंग करनी, Amazon, ये आ गया यहाँ पे, ये मैं टच कर रहा हूँ, नहीं टच हो रहा है, ये देखिए टच कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, नहीं टच हो रहा है, नहीं साइट खुल रही, इसका टच ख़राब है। अब जाके इतनी देर बाद खुला ऐप मेरा। तो ओवरऑल आपने देखा होगा कि इसका टच नहीं सही चल रहा है, और सर्विस सेंटर कह रहा है ये टच बिल्कुल सही है। कैसे विश्वास कर लें कि ये टच सही है? मैं आपको प्रूफ पे करके सामने टच इसका फ़ोन पे चला के दिखा रहा हूँ। अब मुझे लिखना है नेशनल, ये नेशनल लिखा है इसने, बताइए। और जबकि मैंने सब वर्ड्स टच किए थे नेशनल पे। ऐसे ही लिखते हैं स्नैपडील, स्नैपडील में देखिए मैंने पूरा कीबोर्ड यूज़ किया स्नैपडील पे, लेकिन यहाँ इसने टाइप किया नेपील, पढ़ने में भी रॉन्ग लगता है। और अब क्या हम टाइप करते हैं, अब टाइप कर लेते हैं उत्तर प्रदेश,
उत्तर तो इसने सही टाइप किया, प्रदेश। प्रदेश में इसने डी मिस कर दिया जबकि मैंने डी टच किया था। इसमें टाइपिंग बहुत ही ख़राब होती है, बहुत ही स्पेलिंग एरर आते हैं जबकि मैं सब स्पेलिंग सही टाइप कर रहा हूँ। मैं कितनी बार आपको दिखाऊँ, क्या क्या टाइप करके दिखाऊँ, मेरी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओवरऑल ये फ़ोन बेकार है, किसी काम का नहीं है। टाइपिंग बहुत बेकार है, परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, फ़ोन ही पूरा बेकार है। मैं चाहता हूँ मेरा फ़ोन चेंज हो जाए। मैंने 20,000 रुपये का ये फ़ोन लिया है लेकिन अब क्या करें, फ़ोन ख़राब है। ये पता नहीं कैसे चेंज होगा, या मुझे यही यूज़ करना होगा। इसको तो यूज़ भी नहीं किया जा सकता है, बहुत ही बेकार फ़ोन है।